सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज अपडेट। सो दोस्तों, यदि आप जेई मेन एंड नीट के एस्पिरेंट हो 2020 की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन फुल होने वाली है। सो दोस्तों, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। सो दोस्तों, जैसा सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से दिल्ली समेत देश भर के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट फिलहाल बंद है। वहीं दूसरी ओर जेई मेन और नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख घोषित की जा चुकी है। देश भर के लाखों ऐसे छात्र जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, अब अपने मोबाइल फ़ोन पर इन परीक्षाओं से जुड़ी कोचिंग हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम अभ्यास है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है ऐप परीक्षार्थियों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप यह ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। जल्द ही इसका iOS वर्जन भी आया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, यह मोबाइल ऐप नीट और जेईई मेन्स परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई में मदद करेगा। छात्र इस मोबाइल ऐप की मदद से 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वह अपनी सुविधा एवं समय अनुसार इस मोबाइल ऐप की मदद से अपने प्रोग्रेस भी पर भी नज़र रख सकते हैं। यह मोबाइल ऐप सही उत्तर एवं एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया ऐप फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के विषयों की विशेष जानकारी एवं कोचिंग मुहैया कराएगा। जेई एवं नीट की परीक्षाओं की तिथियों घोषित कर दी गई हैं। 18 से 23 जुलाई के बीच जेई मेन्स की परीक्षाएँ ली जाएंगी, वहीं 26 जुलाई को नीट की परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा अब जेई एडवांस परीक्षा की तारीख भी घोषित की जा चुकी है। यह परीक्षा 23 अगस्त को ली जाएगी। जेई मेन्स की परीक्षाएँ 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होंगी। नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 16.84 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। यह परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जेई मेन्स की परीक्षाएं करवाए जाने के बाद जेई एडवांस की परीक्षाएं 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब अधिकांश छात्रों को प्रवेश परीक्षाएँ देने के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे छात्र जो फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें भी अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने का एक और अवसर दिया गया है।